हाथ मिला लो यार। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री में देखा यार आप लोग का। अच्छा अच्छा जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। हेलो जी, डिम 181 चालू हो चुका है और बटर और मैं तंबू में भी उठे 6:30 बटर तो बासे ले गई। हे भगवान, एकदम सुबह आ चुका है, कैब से बाहर निकलते ही मतलब बटर को अर्ली मॉर्निंग नाश्ता मिल रहा है चिकन के साथ, वो भैया के साथ बैठ के खा रही है बटर। क्या बटर, सुबह सुबह 7 तो बजने तो कम से कम। और एक हमें जो यहाँ अपना सामान संगवा रहे जाने के लिए, ये देखो सारी पैकिंग करनी पड़ रही है। और ये है मैडम की बढ़िया खा रही है सुबह सुबह। हम मालकिन है, क्या करें भाई, मौसम लग रहा है अब। भैया हंस रहे करे मालकिन के नाम पे भी है पीछे। आज हंस क्या, आज बारिश लग रही दोबारा यार, आज दोबारा बारिश लग रही है यार, आज लग रहा है दोबारा बारिश हो जाएगी। नहीं नहीं ऐसे ही नहीं, मौसम तो अच्छा है, अच्छा है। हेलो जी, दिन चालू हो चुका है, दिन 181 और चल दिए बटर और मैं एक नए दिन एक नए सफ़र पे। फिलहाल बटर जो है वो आ रही धीरे धीरे, कल शाम से बटर की स्पीड थोड़ी ढीली हो गई है, धीरे ही चलना पड़ेगा हम लोगों को। बटर की थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है, अब क्या प्रॉब्लम है ये तो आगे कोई ढंग का डॉक्टर ही बता सकता है, चलने से और पता चलेगा। आज यूजुअली बटर जो है थोड़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है मॉर्निंग में, पर कल शाम से थोड़ा ऐसा नहीं है। भाई मौसम मौसम तो बहुत सही हो रहा है और उसके साथ व्यू इतना ज़्यादा सही। मैं और बटर थोड़ा कोस्ट से आगे आ चुके हैं और करीब 40-50 किलोमीटर अंदर मान लो तो थोड़ी थोड़ी हिल्स आनी चालू हो गई है और जितना साइड देख सकते हो इधर भी हिल है, थोड़ा सा पीछे उस साइड है और बाकी ठीक मेरे सामने। हेलो, और बटर जी आ रही है अपना आराम आराम से, पता नहीं एक क्या हो गया है। मेरे हिसाब से ज़्यादा बॉडी रेस्ट लेने की वजह से बटर को थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो रहा है दोबारा चलने में, क्योंकि हम लोगों ने 12-13 दिन वेट किया और मोस्टली हम लोग रूम में थे, एसी में थे, एक्सप्लोर भी कर रहे थे सुबह और शाम को, ज़्यादा धूप में नहीं, तो बॉडी कंडीशनिंग जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं बटर के लिए भी। तो मुझे लगता है वो चेंज के थ्रू बटर अभी चल रही है। आज हम लोग कम चलेंगे, हाईवे पे पहुंच के थोड़ा रुक जाएंगे, 3-4 किलोमीटर आगे बस हाईवे, और आज चल रही है स्टॉप अंकल चढ़े हुए आम के पेड़ पे, बहुत सारे आम।
थैंक यू अंकल जी। ओ तो बहुत बहुत सारे हो जाएंगे। Where are you from? मैं यूपी से। यूपी? हाँ बहुत सारे हो जाएंगे अंकल जी। चल के कहाँ जा रहे? तमिलनाडु रामेश्वरम। चल के जाओगे? हाँ हाँ। इसको कैसे रखें? कोई पन्नी रख दे। हाँ ऐसे चलते चलते बढ़िया आम भी मिल गया है और हाईवे आने वाला है तो बस बढ़िया बैठ के खाएंगे। नाश्ता नहीं किया है क्यों ना नाश्ता आज इन बढ़िया आमों से किया जाए। और यहाँ पर भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर तो भैया चल कर रहे हैं वो भी मेरे ख्याल से उस साइड जो है वो भी जाएंगे। मार्केट में आसपास 10 सैलोने हैं और कुछ तो ऑफकोर्स मिल लोगों के हैं, वो लोग घर भी ले जाएंगे ऑफकोर्स। पर ऐसे चलते हुए आम मिल गया, बाकी छोटे छोटे मिले, एक बड़ा भी मिल गया। बहुत समय हो चुका है आम खाए हुए और बटर को भी नहीं खिलाया आज तक। क्या बात है, क्या माजा वाजा पीनी डायरेक्ट बढ़िया। और गर्मी के समय पे यार आम मिल जाए तो मतलब मज़ा तो आ जाता है। नहीं बटर भी खाऊंगी, बटर आ रही है। बस 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर और चलना है हम लोगों को। हाईवे पे पहुंच के हम लोग रुकेंगे। बटर थोड़ा तो ठीक लग रही है, मतलब एक डुबकी मारने के बाद बटर थोड़ी तो ठीक लग रही है, मतलब खुशी ज़्यादा तेज़ चल रही है। पर तो भी हम लोग अब रेस्ट करेंगे, आज ज़्यादा नहीं चलेंगे, रेस्ट करने के बाद थोड़ा और चलेंगे 5-6 किलोमीटर, शाम को फिर रुक जाएंगे। देखेंगे जैसे जैसे दिन बढ़ेगा बटर की कंडीशन देख के वॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास ऐसे डॉक्टर मिलना थोड़ा मुश्किल है, अब तो कोई मेजर सिटी नहीं आती। आप मिला लो यार। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री में देखा यार आप लोग का। अच्छा अच्छा जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर। ये भी साथ साथ ही है, आ रहे हैं। ठीक है धन्यवाद। तो मैं और बटर हाईवे पे आ चुके हैं दोबारा और धूप भी दोबारा बढ़ चुकी है एज यूजुअल, पर बटर जी एकदम बढ़िया बढ़िया चल रही है दोबारा। तो रेस्ट करेंगे, कुछ और लोग मिल गए थे हम लोगों को जस्ट टी पॉइंट पे, उन लोगों ने हमें थोड़ा और सामान दिया और गन्ने का जूस पिलाया बहुत सारा, आधा तो अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसा है, फिलहाल चलते हैं आगे। ढाबे पे रुके थे और वहाँ रुकने के बाद मेरे को थोड़ी वॉमिटिंग हो गई, क्योंकि मैंने गन्ने का जूस पिया था और वो थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गया बोल सकते हैं, और गर्मी और हीट की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। अभी ठीक है, पर फिलहाल अच्छा ये हुआ कि आसपास ही एक रूम था हाईवे पे होटल पे, तो हाईवे पे मतलब करीब 900 मीटर 1 किलोमीटर ही एक रूम था, तो हम लोगों ने आज रूम ले लिया दोबारा पर, और हम यहीं पे रेस्ट करेंगे और कल सुबह चलेंगे। ओह ये है सिचुएशन फिलहाल। बटर पीछे वहाँ पे बटर वो देखो बटर वहाँ है अभी। तो फिलहाल तो आराम ही करते हैं भाई, मन तो कर। तो रात हो चुकी है और ऐसा है कि मैं गया था सो के, सर में बहुत दर्द था, खाना ढंग से खाया नहीं था, वॉमिटिंग हो गई थी, थोड़ी कमजोरी आ गई थी, तो जो खाना लंच मंगाया था वो भी ढंग से मैंने खाया नहीं, एक दो बाइट खाए और बस हो गया, बटर को खिलाया था। पर फिलहाल उठे हैं और डिनर का समय हो चुका है, डिनर मंगाया कुछ खा लेते हैं। बटर को खाना आ चुका है, बटर ऑलरेडी खा नहीं है मैडम जी। बटरू ओ बटरू चल गया बटरू का। मेरे लिए खाने में आई पनीर की सब्ज़ी, रोटी, ये चावल दाल और जो सब्ज़ी है दिन की है ख़त्म नहीं हुई थी, तो सोचा खा लेते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। फिलहाल ऐसा है, खाना खाते हैं, आराम करेंगे बढ़िया, थोड़ा शरीर को दोबारा एनर्जी चाहिए।
आज पूरा दिन कुछ नहीं खाया सच्ची में। मतलब सुबह सुबह इतना भयंकर सीन हुआ, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया कि मैं सुबह जब एक्चुअली नाश्ता करने जा रहा था तो किसी कुत्ते का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसे देख के मन नहीं किया। फिर हम लोग आगे चले और धूप इतनी ज़्यादा पड़ेगी, ढंग से कुछ खाया ही नहीं। मतलब जब तक दोपहर में लंच में खाना आया तब तक बॉडी इतनी जो थी बस सोने का मन था। फिलहाल सो के उठे हैं, खाना खा रहे हैं, और ये है कभी कभी ऐसा दिन भी ठीक है। कल मिलते हैं एक नए दिन एक नए सफ़र में।